शहर में चोरी की वारदात कुछ दिनों थमने के बाद अब चोरों ने नकदी और जेवरों के साथ साथ महंगे विदेशी श्वानों को चुराना शुरू कर दिया है। इसी के चलते शनिवार रात अलवर गेट थाना अंतर्गत गुलाबबाड़ी स्थित एक मकान से चोरों ने 1 लाख रुपए कीमत के 4 श्वानों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित श्वान मालिक की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। गुलाबबाड़ी राजाकोठी स्कूल के पीछे रहने वाले रविंद्र उबाना ने बताया कि शनिवार रात को 2 जर्मन शेफर्ड के बच्चे और 2 वोडाफोन नस्ल के श्वान को घर पर छोड़ गए थे और पीछे से घर सूना पड़ा था। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने चारों श्वान चुरा लिए। साइबर कॉलोनी में रहता हूँ, गली नंबर 3 में। कल रात की बात थी, हम लोग राखी के फेस्टिवल पे दादी के गए हुए थे सबके सब। तो लास्ट टाइम पापा 8:30 बजे घर से निकले, तो सब बच्चे वहीं थे। पापा ऊपर छोड़ा, 2 पक्ष को जो डेली ऊपर रहते हैं, मतलब हम लोग शादी वादी में आए तो भी ऊपर रहते हैं वो, और 2 पप्पी नीचे थे जर्मन शेफर्ड के। वो एक पेड़ था पग का, तो जब हम 10 बजे वापस घर आए तो ऊपर देखा तो वो बच्चे नहीं मिले। कि हमने सोचा है कि सो गए होंगे, बट हमने देखा नहीं कि बच्चे सो रहे हैं, क्या कर रहा है, हम सो गए। जब हम मॉर्निंग में उठे तो देखा कि बच्चे ना नीचे वाले बच्चे भी नहीं है। हमने सोचा पापा ने भेज दिया, हमने पापा से पूछा कि बच्चे नहीं बेचे, पापा ने बोले यहीं पे होंगे। फिर ऊपर जाके देखा तो फिर बच्चे वो पग बड़े वाले बच्चे भी नहीं थे पक्के, और वो छज्जे से कोई ऊपर आया, हमने चेक किया तो मतलब कि वहाँ ईंटें लगी हुई थी, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो वहाँ से वो चढ़े जैसे तैसे, मतलब कि ये घटना हुई 8:30 से 10 बजे के बीच में। गंज थाना अंतर्गत फायसागर रोड छोटी नागफड़ी गली नंबर 1 में रहने वाले एक परिवार का बच्चा पिछले 6 दिनों से लापता है। अनेक स्थानों पर ढूंढने के बाद पीड़ित परिवार ने बच्चे की गुमशुदगी रविवार को गंज थाने में दर्ज कराई। बच्चा न मिलने से माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। लापता मोहम्मद सुल्तान की माँ आयशा ने बताया कि सुल्तान ओसवाल स्कूल की 7वीं कक्षा का छात्र है, जो 25 अगस्त को स्कूल गया लेकिन घर नहीं लौटा। बच्चे को आसपास और रिश्तेदारों के यहाँ तलाशने पर भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। बच्चे का नाम सुल्तान है, मगर है ना 25 तारीख से लापता है, घर पे नहीं आया। जो है ना उसको इतना ढूंढने में भी नहीं मिला, हम कोशिश करे सब वो करे मगर नहीं मिल पाया हमारा बच्चा। हम रहने वाले छोटी नागपानी गली नंबर 1 पाईसागर रोड लक्ष्मी मोहल्ला, और कहीं भी हमारा बच्चा नहीं मिला। हम इतनी कोशिश करे मगर नहीं मिल पा रहा। यहाँ देखा वहाँ देखा, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, सब वो करा मगर कहीं नहीं मिला हमारे को। क्या काम करता बच्चा? बच्चा कोई काम नहीं करता, स्कूल जाता है। कोई शक है तुम्हारे को किसी? नहीं, किसी पे शक नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे कहाँ, कैसे क्या हुआ होगा? पता नहीं सर, एकदम से कैसे लापता हो गया बच्चा मेरा।